हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इस दीपावली एक यूनिक मिठाई। दीपावली के अवसर पे एक दीप वाली मिठाई, तो ये बहुत आसान बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, एकदम छेने की बनेगी, एकदम स्पेशल, घर बैठे आप बना सकते हैं। मार्केट में ये लेके जाते हैं तो लगभग ये मिठाई की कीमत 25 से 30 रुपए पर पीस पड़ता है। आप घर में आराम से 10 से 12 रुपए पीस में आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला ले लिए हैं, पतीला को गैस चालू कर लिए हैं। इसमें हम लगभग 100 ग्राम पानी डालेंगे। पानी डालने का वजह यह है कि हम दूध जब इसमें डालेंगे तो ये हमारा दूध जले नहीं, तो इस कारण से हम पहले पानी डाल देते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हम, आप घर में जो नॉर्मली दूध खाने के लिए लेते हैं उससे भी बना सकते हैं, गाय का दूध का बनाएंगे हम। तो इधर हमारे यहाँ पैकेट का दूध चलता है सुधा का, तो बस सुधा का कंपनी का दूध चला रहे हैं, तो इसी से हम मिठाई और बहुत लाजवाब बहुत सॉफ्ट मिठाई बनेगा। तो इस तरह से हम दूध इसमें डाल देंगे, लगभग 2 लीटर का बनाएंगे। शादी पार्टी में हम बहुत सारा दूध मिठाई बनाते हैं, लेकिन आपके लिए हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं कि आपको जानकारी मिल जाए किस तरह से बनता है हलवाई लोग बहुत बढ़िया बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनाता है। इस कारण से हम आप 2 लीटर दूध का आपको बना के बता रहे हैं। तो 1 लीटर डाल चुके हैं, ये हमारा 2 लीटर दूध है। इसमें थोड़ा सा क्रीम का काम होता है, तो क्रीम का काम पहले हम मिठाई इसका तैयार कर लेते हैं, बाद में क्रीम किस प्रकार से यूज करेंगे कैसे लगाएंगे। तो दूध डालने के बाद इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा, दूध जले नहीं हमारा, दूध को अच्छी तरीके से चला करके हम खोला लेंगे इस तरह से हम। और दूध क्या चीज़ से फाड़ना है वो भी बता देंगे। जैसे हम लोग हलवाई लोग जो अपने शादी पार्टी में हम जब काम करते हैं तो दूध को फाड़ने के लिए हम नींबू सत मार्केट में अवेलेबल आराम से मिल जाता है, जिसे टैटरी भी कहते हैं या नींबू सत कह के भी आप मांग सकते हैं, आराम से दे देगा। तो कितना क्वांटिटी में कितना दूध फाड़ना है, तो जैसे हम 5 kg दूध फाड़ना है तो खाने वाला चम्मच से मोटा मोटी मान के चलिए 30 से 40 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम से फट जाएगा। और अब ये भी रिक्वेस्ट है 30 से 40 ग्राम एक ही बार नहीं डालना है, तो उसको पानी में गर्म पानी में डाल करके, अब पानी जितना मात्रा में लगेगा उस हिसाब से आप डाल करके इसको फाड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत कम बेस भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम, आप जो हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं नींबू सत से हम यूज़ किए हैं, या आप लोग टैटरी या सिरका या विनीगर से या फिर नींबू का रस से भी फाड़ सकते हैं। तो नींबू का रस में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि खट्टा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, इसलिए टैटरी से फाड़िएगा तो आपको अंदाज मिल जाएगा और छेना धोने का कोई झंझट नहीं होता है। तो ये हमारा दूध खोल रहा है, तो उस बीच हम उसका पानी तैयार किए हुए हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा दाना दाना देख रहे हैं, चीनी के तरह दाना के तरह होता है एकदम साफ। तो हम नॉर्मल पानी में ही डाल चुके हैं, आप गर्म पानी में डालिए तो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो जितना देर में हमारा दूध खोल रहा है तो गुनगुना पानी में हम डाल दें, ये हमारा गल जाएगा। इसमें जब फाड़ने लगे तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल करके इसको फाड़ेंगे, सारा नहीं लगेगा, अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो वेस्ट नहीं करना है इसको, आप सिरका की तरह यूज़ कर सकते हैं, खट्टा पानी जैसे यूज करते हैं इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह इसको हम चला लेंगे, बीच बीच में चला लेंगे कि हमारा दूध जले नहीं, नीचे पेना चिपके नहीं। तो जब तक ये हमारा अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं दूध उबाल हो चुका है, लेकिन अभी दूध अच्छी तरीके से फूटा नहीं है। फूटने का मतलब जैसे डबकता है वैसे डबकाना है इसको, जैसे इस तरह से हमारा ये इस तरह से उबाल कर लेना है और इसको साइड कर लेंगे। ये हमारा दूध खोल चुका है, इसको साइड कर लेंगे, इसको हम साइड कर लिए हैं। 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे हम इसको इस प्रकार से चला चला के, इसका जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा गर्म दूध फाड़ देंगे तो छेना हार्ड आ जाएगा, तो आपका मिठाई बहुत चिम्मर हो जाएगा। हमको चिम्मर मिठाई नहीं, स्पंज चाहिए सॉफ्ट, तो इसीलिए दूध थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो फाड़ेंगे। अगर थोड़ा जल्दी फाड़ना है तो इसमें लगभग हम 500 ml पानी डाल करके, नॉर्मल नल का पानी, फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी डाल के इसको फाड़ लेंगे और चलाते रहेंगे। लेकिन फिर भी 2 से 4 मिनट इसको छोड़ देंगे, तुरंत उतार के तुरंत नहीं फाड़ेंगे इसको, इस तरह से एक्स्ट्रा गर्मी भी निकाल लेंगे और थोड़ा सा
नॉर्मल पानी डाल करके इसको फारने लायक। तो इसको हम तो इस बीच जितना देर में ये हमारा दूध नॉर्मल हो रहा है उस बीच इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो चाशनी के लिए देख सकते हैं मैं कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। या पतीले में भी आप बना सकते हैं। लगभग इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। तो इस मिठाई बनाने के लिए चाशनी थोड़ा सा ढेर चाहिए, थोड़ा सा पानी है। अगर चाशनी हमारा पहले का बना हुआ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम अब 1 केजी चीनी डालेंगे। तो ये हमारा छेना लगभग 350-350 ग्राम तैयार होगा। तो कम से कम 1 से 1.25 केजी चीनी का चाशनी चाहिए। तो हम 1 केजी चीनी का चाशनी बनाएंगे और 500 चीनी का चाशनी तैयार पहले मेरा हुआ जो चीनी गलने के बाद उसको ऐड करेंगे। ये हमारा लगभग 1 केजी चीनी आप नाप के भी दे सकते हैं या अंदाज में भी दे सकते हैं। ये जब तक हमारा चीनी गल रहा है तो उस बीच फिर हम दूध पे आ जाते हैं। हमारा दूध का क्या टेम्परेचर है इसको तक गलने देते हैं। तो ये हमारा दूध अभी बहुत हीट है तो हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देते हैं। तो हमारा दूध जो हार्ड है फारने लायक बराबर हो जाएगा। तो इस गिलास से हम 2 से 2.5 गिलास पानी हम डालेंगे इसमें। और पानी डालने के बाद हम मिला लिए और जो देखते हैं जो धुआं बहुत ज़्यादा से फेंक रहा है पानी डालने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया। अब ये हमारा देख सकते हैं जो पहले ये हमारा पूरा गल चुका है और इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। नॉर्मल ही पानी डालेंगे हम। ये नॉर्मल पानी डाल करके इसको अब दूध को हम धीरे धीरे पानी डाल के एक बैग पानी डालेंगे। धीरे धीरे पानी डाल के इसको फाड़ेंगे। अब देख सकते हैं थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें हम। इससे पानी मिलाने से क्या होता है इसका नॉर्मली खटाई जो होता है टेम्परेचर इसका डाउन कर देता है। और अगर बाय चांस थोड़ा बहुत पानी अगर ज़्यादा भी जाता है तो छेना में आपका कोई खट्टा का अंश नहीं आता। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से छेना फट चुका है। अगर छेना फटने के बाद अगर देख सकते हैं तो इस तरह से हम छेना उठा कर देखेंगे। अगर छेना में थोड़ा ज़्यादा बहुत गर्माहट और ज़्यादा दाना इस तरह से दाबने के बाद थोड़ा चिमड़ा पर टाइप का ज़्यादा होता है तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा पानी हम इसमें और डाल देंगे जिसका चिमड़ापन रोक सकता है। तो इस तरह से हम 1/2 लीटर पानी और डाल देंगे हम छेना फाड़ने के बाद। अब इसको लगभग 1/2 घंटा के लिए 30 मिनट के लिए इसको हम नॉर्मली छोड़ देंगे। नॉर्मली इसलिए छोड़ देंगे अगर छेना फाड़ने के बाद तुरंत चाशनी निकाल लेते हैं तो आपका जो रसगुल्ला का क्वालिटी जो होता है छेना का मिठाई का दूध का जो अंश का होता है वो नहीं मिलता है। इसीलिए इसमें छेना फाड़ने के बाद कम से कम इसको 1/2 से 1 घंटा जितना देर छोड़ेंगे उतना बेहतरीन मिठाई बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनेगा। तो इसलिए कम से कम आपको 30 मिनट के लिए 30 मिनट से 1 घंटा के लिए आप छोड़ सकते हैं कि आपका छेना नॉर्मल भी हो जाएगा इसका पानी भी ठंडा जाएगा। आप आराम से इसको बहुत अच्छी तरीके रसगुल्ला आप इस्तेमाल कर सकते हैं बना करके। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। तो उस बीच हम चाशनी में आ जाते हैं। चीनी हमारा गल चुका है। छेना को चाशनी को साफ करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध पानी इस्तेमाल करेंगे। एकदम धीमा था चीनी गला है कोई दिक्कत नहीं है। धीमा था गलाने से होता है क्या चीनी भी अच्छी तरह से गल जाता और हमारा जो चीनी का गंदगी है वो भी आराम से निकल जाएगा। तो हमारा पहले से जो चाशनी बना हुआ है अब इसको डाल देंगे इसी के साथ। तो लगभग आप चाशनी आप देख सकते होंगे कि हमारा ये 3 से 4 लीटर टोटल चाशनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध पानी ऐड करेंगे। तो दूध पानी ऐड करने का भी है तो हम थोड़ा सा 1 गिलास में दूध लेंगे। हम दिखा देंगे कितना दूध लेंगे। आप देख सकते हैं 1/4 गिलास दूध लिए हैं। इसको पानी से हम भर कर देंगे। पानी के भर पानी मिला के डालने के बजाय क्या है कि हम डायरेक्ट दूध डाल देंगे तो हमारा चाशनी गंदा होने का समय डर लग सकता है कि दूध फट जाता है। तो इसीलिए चीनी के साथ पानी मिला के डालेंगे। इस तरह से हम
डाल करके, और धीमा तम इसको एकदम खोलने देंगे, जो हमारा इसका गंदगी देखिएगा बहुत सारा। तो दूध डालने के बाद हम एक बार मिला लेते हैं इस तरह से, आप देखिएगा चाशनी में कितना गंदगी ये इस पर बैठता है। तो हमारा धीमा तम है, लगभग 5 मिनट हम चाशनी को छोड़ दिए थे, आप दूध डालने के बाद देख सकते हैं ये गंदगी हमारा सब आपके पेट और हमारे पेट में यूज होता है, चीनी डायरेक्ट खाते हैं। तो इसीलिए इस बात को चाशनी किस प्रकार से बनाना चाहिए तो आप दिखा दिए, और अच्छी तरीके से वाल हो चुका है मेरा, और ये जो साइड साइड है गंदगी इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। एक जैसे दूध में मोटी मलाई जमती है उस तरह से जम चुका है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारा को निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा गैस को हाई करेंगे जो हमारा अच्छी तरीके से उबाल आएगा, इसका गंदगी निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा खोलेगा तो और गंदगी आएगा, और इस बीच धीमा तम इसको खोलते देना है कि चाशनी में थोड़ा चिमड़ाहट पाना आ जाए, इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। हम छेना छानने के लिए स्टेप तैयार कर लिए हैं, बर्तन में कपड़ा लगा लिए हैं कॉटन का, और हमारा छेना देख सकते हैं आराम से ठंडा हो चुका है। तो अब इस तरह से हम सारा को छान लेंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पानी देने से दूध चलता नहीं है, और डालने के बाद इस तरह से हम एक साइड में, मात्रा में छेना नहीं है कम है, तो एक साइड में हम इस तरह से हम कपड़े के ऊपर कर लेंगे, और हर बार की तरह इस बार भी हम इसका जो दूध वाला मोटा पानी निकलेगा उसको थोड़ा सा सेट करके रखेंगे हम, और अच्छी तरीके इसका पानी गार लेंगे हम, जो हमारा ये नॉर्मल पानी है। अभी पानी को चाहे तो आप यूज भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप रोटी बनाते हैं तो उस इस पानी से रोटी भी गूंद सकते हैं, तो पौष्टिक जो चला है चला जाएगा तो आप, लेकिन बहुत आदमी ये सब नहीं जानता है, फेंक देता है। आप इसको एक दिन रख करके, आप इस फ्रिज में रख करके भी इस्तेमाल भी इसको पीने के भी यूज कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है पेट के लिए। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। अब हमारा जो ये दूध का गाढ़ा पानी है उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, जो हमारा मिठाई झाँपने में काम आएगा इस तरह से हम इसका पानी गार लेंगे। तो ये हमारा छेना का पानी कंप्लीट निकाल चुके हैं, इसको सेट कर लेते हैं। अब किसी बर्तन में इसको किसी पाटे या किसी बर्तन के पीछे हिस्से में इसलिए देते हैं कि रगड़ने में ठोकर नहीं लगे हाथ में। अब इसको सारा छेना को पलट देंगे इसमें कपड़ा से, छेना को इसमें खाली कर चुके हैं। अब छेना को हम इस तरत्ती से इससे हम पीसेंगे, या आप चाहें तो एक बर्तन से भी कटोरी से भी पीस सकते हैं, लेकिन तरत्ती से पीसना, तरत्ती से हम इसको लगभग 1 मिनट के लिए पीस लेंगे हम, जो हमारा छेना एकदम चिकना हो जाएगा और गोली जो बनाएंगे परफेक्ट गोली तैयार होगा, फटेगा नहीं। तो इसलिए 1 मिनट के लिए हम तरत्ती से इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची, स्वाद के लिए इलायची पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो अपने अनुसार कोई भी एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये हमारा एक चुटकी इलायची पाउडर हुआ, और थोड़ा सा अगर आपको डॉट, हमारे लिए तो इस परफेक्ट है, थोड़ा सा इसमें एक चुटकी सूजी इस्तेमाल करेंगे हम, जो हमारा देखिए चुटकी से इतना सारा सूजी डालेंगे मात्र, जो हमारा इसमें पानी का अंश होगा ये बराबर कर लेगा। तो ज़्यादा मात्रा में सूजी नहीं डालना है, और इसको अच्छी तरीके से फिर हम उसी तरह तरत्ती के सहारे से हम इसको मिला लेंगे। आपको क्वांटिटी अगर अंदाज नहीं है कि छेना कितना हुआ तो आप तौल के भी देख सकते हैं, लगभग ये हमारा 2 लीटर दूध का है, तब दूध तो दिखाई नहीं, तो उस हिसाब से ये छेना का वज़न 300 से 350 ग्राम के अंदर ये छेना होगा। हम दिखा देते हैं, वजन देख सकते हैं 338 ग्राम 350 के अंदर है ये हमारा 2 लीटर दूध का, लगभग 1 लीटर में 160 ग्राम 62 ग्राम छेना। तब इसको छोटे छोटे डो तैयार कर लेंगे हम, तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। तो इसको डो किस तरह से तैयार करेंगे हम, तो फिर एक बार सबको मिला लेंगे हम। तब इस तरह से हम लेंगे और इसको इस तरह से करके
छोटा छोटा दो, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। तो छेना का मिठाई बहुत आसान बन जाता है, आप इसी का बहुत प्रकार का मिठाई बना सकते हैं। इस तरह से हम सारा गोटी काट लेंगे पहले, फिर एक गोली को लेकर के हम आपको गोल करके दिखाते हैं, राउंड करके किस तरह से हम राउंड करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा शेप करेंगे और इस तरह से हम जो आप दीप का शेप भी बोल सकते हैं, दिल का शेप भी बोल सकते हैं, तो आप अपने अनुसार इसको, तो इसको ज़्यादा पतला नहीं करें, ज़्यादा चिपटा करेंगे तो फैल जाएगा। इसी प्रकार से हम सबको सेट कर लेंगे। ये हमारा सारा गोली हो चुका है, एक छोटा सा बचा है, तो इसका ज्योति के लिए हम छोटा छोटा गोली बनाएंगे। इसका छोटा छोटा गोली किस तरह से बनाएंगे, तो इसका छोटा छोटा इस तरह से हम इसका ज्योत तैयार करेंगे। हम लंबा लंबा इस तरह से इसको थोड़ा देने के बाद डालेंगे। तो पहले हम ये गोली का इसको इस पर छोड़ देंगे, उसके बाद तो आप चाशनी पे आ जाते हैं। तो चाशनी आप देख सकते हैं हमारा गंदगी अच्छी तरीके से निकल चुका है सब, और जो थोड़ा बहुत लास्ट है ये हम निकाल लेंगे। लगभग ये चाशनी हमारा 25 से 30 मिनट से खोल रहा था, जो इतना गंदगी निकला है। चाशनी खोलने के कारण बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें हम पानी डालेंगे ढेर सारा। गैस को हम तेज कर लिए हैं और पानी इसमें हम डाल रहे हैं। अब चाशनी हमारा बहुत गाढ़ा हो चुका था और हमारा अच्छी तरीके से ये चाशनी चिमरा भी हो गया। अब इसमें झाग उफान बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और जो हम ये दूध रखे थे, तो अभी नहीं, पहले इसको मिठाई छोड़ देंगे, उसके बाद किस तरह से झपता है ये पानी डाल के हम आपको बताएंगे। तो ये थोड़ा चाशनी ज़्यादा देर खोलने के बाद लाल हो चुका है, तो इसको स्वाइट कैसे करता है हलवाई लोग, तो ये हमारा राकेश का हाइड्रो है, ये राकेश का हाइड्रो है। तो मात्र ज़रा से देना है, बहुत सारा नहीं देना है। तो हम मात्रा में बनता है, तो ये हमारा एक चुटकी है, बस इस तरह से लेके दे देंगे और इसको मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा हाइड्रो का पावर, ये हमारा चाशनी साफ़ हो चुका है। तो आपको थोड़ा तेज़ कर लेंगे और एक एक करके हम सारा मिठाई इसमें छोड़ देंगे। चाशनी इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसको सीजने में समय लगता है और थोड़ा सा चाशनी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो फैलेगा, तो फिर दिक्कत होगा, एक दूसरे से दब जाएगा। इसीलिए पूरा फैलाओ, और थोड़ा सा फैला हुआ बर्तन में ही, इस कारण से थोड़ा मात्रा में चाशनी है। अगर चाशनी बच जाता है तो कुछ दूसरे मिठाई में, या फिर आप घर में हलवा और बनाते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। चाशनी बेस्ट नहीं होता है, लेकिन इस तरह से मिठाई बनाने के लिए आप आराम से चाशनी हम थोड़ा मात्रा में बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके हम इसको हम सारा छोड़ दिए हैं, और जो हमारा एक पार्ट जो रखे थे उसको छोटा छोटा गोली करके रख लेंगे। इसको थोड़ा 2-3 मिनट पकने देंगे, उसके बाद अभी चलाएंगे नहीं। तो देखिए, हमको इसमें कुछ देना नहीं पड़ रहा झपने के लिए। अगर नहीं, ये छेना के अंदर रस चाशनी के अंदर डूबा हुआ है, अगर नहीं ऐसा रहता तो जो हम दूध निकाल के रखे थे छेना का गढ़ा वाला पानी, वो डालते हैं तो आराम से झप जाता है। इसलिए ये चाशनी अच्छी देर खोलाने का नतीजा है, जो अच्छी देर से खोल चुका है, जो चिमड़ापन हो गया, जो ये हमारा ढक चुका। अब जो छोटा छोटा गोली कड़े हैं, तो इसको गोल कर करके इसी में डालते रहेंगे हम। अगर छोटा मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा करेंगे तो ये इसी कर करके हम डाल देंगे। इसका थोड़ा सा जब जब सीज जाएगा तो इसको रेड कलर में इसको डाल देंगे हम। तो अब अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको 4 से 5 मिनट तक होने देते हैं, उसके बाद हम चलाएंगे। तो लगभग ये हमारा 4 से 5 मिनट हो चुका है, इसको एक बार इसे चला लेते हैं और थोड़ा सा हम पानी दे के दिखाते हैं आपको कितना हमारा ये मिठाई फैला है। तो हम इसमें लगभग 5 मिनट होगा, थोड़ा चाशनी भी गाढ़ा चुका है। तो आप इस तरह से पानी, ठंडा पानी दे करके आप देख सकते हैं, इस कारण से हम बोले तो फैला हुआ बर्तन में पानी चाहिए। तो ये अभी मेरा मिठाई फैल सीझा नहीं है, सीझ जाएगा तो मेरा मिठाई नीचे बैठ जाएगा, चाशनी के अंदर पूरा डूब जाएगा। तो लगभग 20 से 25 मिनट ये हमारा सीझने में समय लगेगा। तो इसी प्रकार से हम बीच बीच इस तरह से चला लेंगे हल्के हाथ से, ज़्यादा घाटेंगे तो हमारा डब्बू के कोर से कट भी सकता है।
अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मिठाई सीझा कि नहीं सीझा। तो किस प्रकार से चेक करेंगे, तो हम इसमें नॉर्मल पानी लेंगे थोड़ा सा। पहले एक मिठाई उठाएंगे हम, और इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी डालने से देखिए ये हमारा पानी के अंदर बैठ गया और कहीं से कुछ नहीं टेढ़ा बोका नहीं होता है। अगर कच्चा रहता है तो ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा दब चिपटा क्लियर हो सिकुड़ जाता है, तो ये हमारा कच्चा है। तो ये लगभग ये हमारा मिठाई हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा पानी अच्छा देर से लगभग 15 से 20 मिनट से सीज रहा था, तो चाशनी बहुत गाढ़ा हो गया है। तो इसमें मैं 2 डब्बू थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे इस तरह से पानी लिया, थोड़ा सा चाशनी उठाया, इस तरह से हम मिला करके हम धीरे धीरे इसको, और अब देख सकते हैं कि हमारा सारा मिठाई नीचे बैठा हुआ है। और थोड़ा सा पानी देकर के हम इस तरह से करेंगे, 3 से 4 बार हम डालेंगे तो नॉर्मल हमारा चाशनी भी हो जाएगा और हमारा मिठाई भी। तो इस कारण से हम आपको बताए थे कि चाशनी इसमें पूरा चाहिए। देख रहे हैं फैल कितना बड़ा गोली था, कितना बड़ा फैल गया है। तो हम दो लगभग 2 डब्बू ये तीसरा डब्बू पानी हम इसमें दे करके हम अब गैस को हम नॉर्मली कर देते हैं, बुता देंगे। ये हमारा मिठाई कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे कि जो इसका एक्स्ट्रा गर्मी है वो निकल जाए। आप इसमें कलरफुल बनाना चाहते हैं तो कलर वाला भी दे सकते थे, लेकिन ये मिठाई वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लिए हम, इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, केसरिया कलर है। कलर डालने के बाद एकदम ज़रा सा मात्र में कलर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसको इस तरह से मिला लेंगे हम। और इसमें हम थोड़ा सा चाशनी लेंगे उसी कढ़ाई से, तो इस तरह से हम ले लिए चाशनी। और ये हमारा छोटा छोटा जो देख रहे हैं इस सारा को हम निकाल लेंगे, और इस कलर में हम डालते जाएंगे। ये हमारा छोटा वाला जो जोत था हम निकाल लिए हैं अलग से, कलर में डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ठंडा होने देते हैं, अब 5-6 घंटा भी, और नहीं तो रात भर भी इसको छोड़ के ठंडा करके इसमें कल डिग्रेड करेंगे। एक फैंसी मिठाई बनके तैयार हो जाएगा। मिठाई इसी मिठाई का थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता है मार्केट में, और इस मिठाई का दाम 25 से 30 रुपये पर पीस। आप आराम से और बड़े शहर में जाइए तो इस मिठाई की कीमत 40 से 45 रुपये हो जाता है। घर बैठे आराम से स्टैंडर्ड साइज़ में आप 10 से 12 रुपये में ये मिठाई उपलब्ध कर सकते हैं। लगभग ये हमारा 5 से 6 घंटा हो चुका है, अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं स्पंज हो गया है मेरा। तब इसको हम नॉर्मली निकाल के रख देते हैं इसका चाशनी चुनने के लिए थोड़ा सा, तो एक छन्नी में रख लेंगे हम इस तरह से। और इसका क्रीम तैयार करेंगे, तो क्रीम आप दूध को गाढ़ा करके भी बना सकते हैं, या मार्केट से अवेलेबल क्रीम मिल जाता है वो भी ला के बना सकते हैं। तो मार्केट से खोआ लाए हैं, साफ खोआ, उसका हम क्रीम बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसको निकाल के रख देते हैं, इस तरह से सारा निकाल के रख दिए हैं। क्रीम बनाने के लिए एक पैन ले लिए हैं, पैन को ऑन कर लिए हैं गैस। इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। ये हमारा 500 ml दूध है, नॉर्मली दूध है। इस दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। एक बर्तन ले लिए खाली, एक मार्केट से मावा लाए हैं। ये मावा को इस तरह से एकदम ड्राई मावा है, इसको क्रीम कह के भी मांग सकते हैं तो दे देगा दुकानदार। और इसको इसमें थोड़ा सा गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे हम, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, छोटा चम्मच से 1 चम्मच। थोड़ा सा इसमें सुसुम दूध और डालेंगे, पहले थोड़ा सा डाले थे। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे इस तरह से, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसमें 2 बूंद वनीला एसेंस देंगे फ्लेवर के लिए, टेस्ट अच्छा होता है क्रीम का मिठाई में, वनीला मस्त होता है। और इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, पिस्ता कलर ही इस तरह से हम, और इसको अच्छी तरीके से हम
मिला लेंगे, इस तरह से हम मिला लेंगे। निपुल के लिए देखिए 5 दांत का निपुल तैयार किए हैं एक पन्नी में। ऐसे तो इसका कपड़ा भी आता है सेट, तो हमारे पास वो नहीं है अवेलेबल, तो पन्नी का जुगाड़ किए हैं हम। ये जो हमारा क्रीम तैयार है, तो इस तरह से इसमें हम भर लेंगे। एक को इस तरह से हम हाथ में उठाएंगे, इस तरह से हम सबको बारी बारी इसी प्रकार से कर लेंगे हम। ये छोटा सा हम गोला बना के रखे थे ज्योति के लिए, तो इसको भी हम चाशनी से पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो आप ये जो हम ज्योति बनाया है, ज्योति किस प्रकार से लगेगा, ज्योति इस प्रकार से हम सब में लगा देंगे, दिए की लो की जैसे। कटिंग किया हुआ बादाम और थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे हम, थोड़ा सा हम पिस्ता का दाना दे देंगे, बस ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, देखने में इसका खूबसूरती बढ़ जाएगा। आपके बीच हमारा ये मिठाई रेडी हो गया है। इस दिवाली आप ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही नई रेसिपी लेके फिर हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।